to my channel, and आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अ शॉट इन द डार्क की समरी. अ शॉट इन द डार्क एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि हेक्टर ह्यू मुनरो द्वारा लिखी गई थी, एंड हेक्टर ह्यू मुनरो अपने पेन नेम साकी से भी जाने जाते हैं. सो इस शॉर्ट स्टोरी का थीम है मिसकंसेप्शन यानी गलत फहमी. सो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं. सो फिलिप सिल्थरबी नाम का एक इंसान जो कि पॉलिटिशियन बनना चाहता था, वो मिलने जाता है एक औरत से जिसका नाम होता है मिसेस सॉल्ट पेंचैगो, जो एक बहुत अमीर और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल औरत होती है जिसपे काफ़ी पावर होती है, और वो उसकी फिलिप सिल्थरबी की मदद कर सकती है एक पोजीशन अपनाने में, क्योंकि फिलिप सिल्थरबी क्या होते हैं, एक इलेक्शन री इलेक्शन होने वाले हैं, और उस री इलेक्शन में उन्हें एक सीट चाहिए, और वो सीट सिर्फ मिसेस सॉल्ट पेंचैगो की मदद से ही उनको मिल सकती है. सो वो ट्रेन में सवार होते हैं और निकल जाते हैं चौक श्राइन टाउन में, जहाँ पे उनकी जो नई जान पहचान जिनकी फ्रेंड बनी है मिसेस सॉल्ट पेंचैगो से वो मिलने जा सकें. सो वो अपनी ट्रेन में चढ़ते हैं और रवाना हो जाते हैं चौक श्राइन के लिए, जहाँ पर वो मिसेस सॉल्ट पेंचैगो के आलीशान महल में, आलीशान एस्टेट में रहेंगे जिसका नाम होता है ब्रिल मैनर. एक हफ्ते के लिए उन्हें वहाँ रहना होता है. सो वो चल पड़ते हैं. अब वो वहाँ पे जब स्टेशन पे पहुँचते हैं और वो ट्रेन में बैठते हैं, सो उन्हें एक इंसान मिलता है. वो एक ऐसी ट्रेन में ऐसा डब्बा चुनते हैं जो काफ़ी खाली होता है लगभग, और वो आराम से बैठ जाते हैं. तभी उन्हें दिखता है कि एक स्ट्रेंजर आता है और वो बैठ जाता है उस कैरिज में. अब वो इनसे बात करने लगता है फिलिप सिल्थरबी से, लेकिन फिलिप सिल्थरबी एक मैगज़ीन पढ़ रहे होते हैं. सो वो जो बंदा जो नया स्ट्रेंजर होता है उसका नाम होता है बर्टी सॉल्टमैन. सो बर्टी सॉल्टमैन एक यंग सा इंसान होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, थिन, उसके डार्क हेयर होते हैं, डार्क ब्राउन हेयर्स होते हैं, और काफ़ी फ्रेश कॉम्प्लेक्शन होता है, गोरा सा कॉम्प्लेक्शन होता है, और काफ़ी स्मार्ट होता है वो. अब वो आता है और वो फिलिप सिल्थरबी से कहता है कि आप तो वही है ना जो मिसेस सॉल्ट पेंचैगो के साथ आप उनके फ्रेंड हैं, और आप उनके घर पे रहने जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए उनके एस्टेट पे. और वो तारीफ़ें करने लगता है मिसेस सॉल्ट पेंचैगो की कि वो एक बहुत ही अच्छी महिला है, और आप उनके साथ जाओगे तो आपको ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, वो एक बहुत यूज़फुल लेडी है, और आपको पॉलिटिकली आपके लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी. सो वो ध्यान नहीं देता फिलिप सिल्थरबी. अब जो वो इंसान होता है वो होता है बर्टी सॉल्ट पेन. सो वो ना कुछ 22 साल का होता है, मैंने आपको एज बताई, और वो कुछ ढूंढने लगता है, जैसे वो कुछ खोज रहा हो. अपने जो सिगरेट बॉक्स होता है, मैच बॉक्स होता है, अपना रेलवे टिकट होता है, सब उतल पुतल करके देख रहा होता है. अपनी कोट जो उसने पहना होता है उसमें वो हाथ बार बार डाल के देख रहा होता है, कुछ ढूंढ रहा होता है. सो उसके बाद फिलिप सिल्थरबी भी उसे कहता है कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं. वो कहता है हाँ एक्चुअली. तो फिर वो कहता है कि एक्चुअली मैं मिसेस सॉल्ट पेंचैगो का बेटा हूँ, सेकंड बेटा हूँ, और एक्चुअली क्या हुआ, मैं घर पे ही था, और मैं आते समय मैंने क्या करा, मेरा जो वॉलेट था उसमें पैसे थे काफ़ी सारे, मैं कुछ एनवलप फ़ोल्ड कर रहा था, और वो एनवलप के चक्कर में वो फ़ोल्ड हो गया, और वो जो पैसे होते हैं उस वॉलेट में थे वो मैंने वहीं पे ही छोड़ दिए, और मैं दूसरा एक और वॉलेट लेके आ गया, और इसमें सिर्फ थोड़े से ही पैसे हैं, इसमें बस दो चार बहुत ही कम पैसे हैं, और अब मैं क्या करूं. और मुझे वो कहता है कि एक्चुअली जो मेरी माँ है सॉल्ट पेंचैगो, सो मैं तो अपने माँ के घर मतलब अपने जो एस्टेट है ब्रिल मैनर में करीबन 6 महीने से मैं नहीं गया हूँ. मैं घूमता फिर रहा था इधर उधर, याचिस में मैं गया था और मैं घूम रहा था, लेकिन मैं अभी 6 महीने से अपनी माँ से नहीं मिला हूँ, और अब मैं अब पैसे भी नहीं है मेरे पास. अब आप एक ऐसे इंसान है जो मेरी माँ को जानते हैं. सो फिलिप तो वो बर्टी सॉल्ट पेन उसे कहता है फिलिप सिल्थरबी से, तो मैं आपसे यही कह रहा था कि आप मेरी माँ को जानते हैं और आपने ध्यान नहीं दिया जब मैंने पहली बार बोला. सो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ, और वो बहुत मिली थी मुझसे, मतलब ऐसा बोलता है कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे फ़ोन पे काफ़ी बार बात हुई उनसे. सो वो बर्टी सॉल्ट पेन कहता है कि एक्चुअली अभी मैं घर भी नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं एक जगह है ब्रॉन्ज कुएं, सो मैं वहाँ भी 3 दिन रुकूंगा, फ़िशिंग वगैरह करूंगा, और फिर तब मैं मंडे को घर आ जाऊंगा, मतलब ब्रिल मैनर जहाँ पे आप जा रहे हैं रहने के लिए. सो आप मुझे क्या तीन क्विट्स मुझे दे सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आया हूँ टैक्सी में, मैंने पैसे दिए, फिर मैंने रेलवे का टिकट ख़रीदा उसमें मैंने पैसे दिए, और अभी मैं जब वहाँ जाऊँगा रहने 3 दिन के लिए फ़िशिंग करने,
वहाँ पे मुझे होटल का बिल देना है, कैब का बिल देना है, खाने पीने का खर्चा है, तो पैसे तो 3 दिन के लिए मुझे काफ़ी चाहिए, और 3 पाउंड्स यानी 3 क्विड में मेरा काम हो जाएगा, तो आप मुझे दे सकते हैं। सो फिलिप सिल्थरबी हाँ कह देता है, लेकिन फिलिप सिल्थरबी को बाद में ना शक होता है थोड़ा कि पता नहीं मुझे इस पर यकीन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई भी स्ट्रेंजर है मुझे कह रहा है कि मैं मिसेस सॉल्ट पेन जैगो का सेकेंड बेटा हूँ, तो फिर उसके दिमाग में कुछ आया तो वो थोड़ी छानबीन करने की कोशिश करता है। सो फिलिप सिल्थरबी एक्चुअली उसकी माँ से मिला होता है मिसेस सॉल्टमैन जैगो से, लेकिन वो फिलिप सिल्थरबी बर्टी सॉल्टमैन से कहता है कि अच्छा तुम अपनी माँ का डिस्क्रिप्शन बताओगे कि कैसी है वो, क्योंकि अगर मुझे वो मिली तो मैं उन्हें पहचान लूँ भीड़ में। सो बर्टी सॉल्टमैन कहता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी माँ डार्क हेयर है, उनके डार्क ब्राउन हेयर है और एकदम फ्रेश कॉम्प्लेक्शन है, मेरी तरह गोरी सी है। वो कहता है अच्छा, और उसे फिलिप सिल्थरबी को शक हो जाता है क्योंकि फिलिप सिल्थरबी असल में थोड़े दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले ही मिला था डिनर पे और मिसेस सॉल्टमैन जैगो के साथ, ना पॉलिटिशियन है वो तो एक बड़ी हस्ती है, तो वो मिल चुका है उनसे, और तब उसके जो बिल्कुल ब्लॉन्ड बाल थे, ठीक है बिल्कुल ब्लॉन्ड बाल थे, और अभी इनका बेटा जो अपने आप को बेटा कह रहा है वो कह रहा है कि मेरी माँ के तो डार्क ब्राउन बाल हैं, तो उसे शक हो जाता है। फिर वो कहता है कि जो बर्टी सॉल्टमैन है उसका जो वॉलेट होता है ना, वो एक खूबसूरत सा वॉलेट होता है, जो वो गलत वॉलेट ले आता है, वो कहता है जो पैसे वाला है जो घर पर छूट गया, ये वाले इसमें 1-2 रुपये थे, 1-2 लाइक थोड़े बहुत पैसे थे वो मैं लाया हूँ, जिसमें कुछ भी पैसे नहीं है। सो उस पर एक डिज़ाइन बना होता है, एक क्रेस्ट बना होता है, क्रेस्ट मतलब लोगो होता है जो फैमिली का लोगो होता है कि हाँ ये बड़ी जो आलीशान फैमिली या रॉयल फैमिलीज का जो होता है। सो उस पे क्या, उस पे कुछ बना होता है, उस पे एक लॉयन बना होता है जो कि क्रॉस को होल्ड कर रखा होता है, क्रॉस पकड़ रखा होता है अपने पंजों से। सो वो कहता है कि ये क्या है, तुमने ये क्या होल्ड कर रखा है, करके रखा है। सो वो कहता है कि ये हमारा फैमिली का वो है एम्बलम लोगो है, और मेरी माँ का जो, वो कहता है लेकिन तुम्हारी माँ ने, फिलिप सिल्थर भी कहता है लेकिन जब तुम्हारी माँ ने मुझे लेटर भेजा था सो उसमें एक ग्रे हाउंड बना था, लाइक एक शिकारी कुत्ता का वो बना था ग्रे हाउंड। सो जो सॉल्ट जो होता है ये बर्टी सॉल्ट पेन, ये कहता है कि नहीं एक्चुअली ये हमारे तो दोनों लोगो हैं हम यूज़ करते हैं, ग्रे हाउंड भी हमारा लोगो है और डेमी लायन होल्डिंग अ क्रॉस ये भी हमारा लोगो है, हम दोनों ही लोगो यूज़ करते हैं। सो उसे शक हो जाता है कि उसकी माँ का तो वो डॉगी सा था और इसके पास ये लॉयन बना है इसके पर्स पे, तो उसे शक हो जाता है कि शायद ये झूठ तो नहीं बोल रहा। अब वो ऐसे ही उसे वादा तो कर चुका होता है कि उसको पैसे देने, अब वो उसका स्टेशन आ जाता है फिलिप सिल्थरबी का और वो कहता है मैं जा रहा हूँ। सो अब बर्टी सॉल्टमैन एकदम हैरान हो जाता है, कहता है तुमने तो मुझे कहा था कि पैसे दोगे, 3 स्क्विड्स दे दो मुझे, प्लीज़ दे दो, जब तुम मंडे को आओगे घर पर, 3 दिन मैं आऊँगा 3 दिन बाद, ब्रिल मैनर ही तो जा रहे हो तुम मेरी माँ के घर 1 हफ्ते रहने के लिए, तो मैं दे दूंगा। तो वो कहता है नहीं मुझे तो तुम पे शक है, तुम्हारी स्टोरी मुझे स्टार्टिंग में ठीक लगी तो मैंने हाँ कह दिया था, लेकिन अब मुझे पूरी दाल में काला लग रहा है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, और उसके बाद वो चला जाता है। अब जब वो वहाँ पे पहुँचता है चौक श्राइन पे, और वहाँ पे उसे एक गाड़ी में एक लंबा सा आदमी लेने आता है जो कि लॉयर होता है मिसेस सॉल्टमैन जैगो का, सो वो उसे लेने आता है, रिसीव करने आता है रेलवे स्टेशन पे। सो वो गाड़ी में बैठता है, बहुत खूबसूरत एक्सपेंसिव शानदार गाड़ी होती है। सो वो जो लॉयर होता है बड़ा टॉकेटिव होता है, बहुत बातें करता है, तो वो बहुत बातें करते हुए आता है फिलिप सिल्थरबी से। सो वो पूरी एक्सपेंसिव अपनी कार की तारीफ करता हुआ आता है। उसके बाद वो जो है ब्रिल मैनर पहुँचते हैं, ब्रिल मैनर के एंट्रेंस में ही पहुँचते हैं, तभी पहुँचते हैं तो तभी वो देखता है कि जो कार के अंदर जो होता है ना डिज़ाइन, उसमें ना 2 लोगो बने हैं, ग्रे हाउंड भी बना है और डेमी लायन भी बना है जो कि एक क्रॉस होल्ड करके रखा है, तो उसे कुछ अजीब सा शक सा लगता है कि इस पे तो दोनों ही लोगोज बने हैं जो उस लड़के ने कहे थे बर्टी शॉर्ट पेन ने। अब उसके बाद वो जब पहुंच जाते हैं तब वो जो लॉयर होता है वो तारीफ़ें करने लगता है, अच्छा ये लेडी जो ये बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, इतनी चार्मिंग हैं और एकदम बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन बस एक चेंज आया इसमें। वो कहता है चेंज, क्या चेंज आया, कह रहे 5 ही हफ्ते पहले ना इन्होंने अपने जो डार्क ब्राउन हेयर से अपने बाल ना ब्लॉन्ड करा लिए। तो अब तो वो एकदम चुप हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है, एंड यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है जिसमें गलतफहमी के चक्कर में उसने इतना बड़ा मौका खो दिया, और शायद हो सकता है कि उसे जो पॉलिटिकल जो वो उसे जो सीट चाहिए थी मिसेस सॉल्टपैन जैगो को खुश करके, अब वो मिसेस सॉल्टपैन तो खुश नहीं होंगी क्योंकि उसके बेटे को उसने उसकी हेल्प नहीं करी, हो सकता है कि वो इस चांस को गवा बैठे अपनी मिसकंसेप्शन अपनी गलतफहमी से। आई होप आपको अच्छी लगी हो, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए।